दोस्तों आज के वीडियो में बात गरुड़ संपाति, उसके पुत्र सुपार्श और जटायु से जुड़ा हुआ एक महत्वपूर्ण किस्सा है। चलिए आपको बताते हैं। राम, लक्ष्मण और उनके साथ पूरी वानर सेना माता सीता को जब ढूंढ रहे थे, तब वे सब लोग भटकते भटकते दंडकारण्य वन में आए, जहाँ गिद्धराज संपाति रहा करते थे। वे कराह रहे थे और बहुत बूढ़े हो गए थे। उनके कराहने की आवाज़ हनुमान जी ने सुनी और उधर ही चल दिए जहाँ से आवाज़ आ रही थी। बूढ़े संपाति को देखकर हनुमान जी ने सभी को उस तरफ बुला लिया था। जब पूरी वानर सेना वहां पहुंची तो राम और लक्ष्मण को देख संपाति उन्हें खाने के लिए आगे बढ़े। फिर जामवंत ने भगवान राम और माता सीता का पूरा किस्सा संपाति को बताया। सीता हरण का किस्सा सुनकर संपाति दुखी हो गया और सोच में पड़ गया। इतने में ही संपाति का बेटा सुपार्श भी वहां पे आ गया था। संपाति को कई हजार मील तक देखने की दिव्य शक्ति प्राप्त थी, लेकिन सूर्यदेव के तेज ने संपाति के पर जला दिए थे और वह बूढ़ा भी हो गया था। दोस्तों आपको बता दें कि जब माता सीता का हरण कर रावण लंका ले जा रहा था, तब रास्ते में संपाति के पुत्र से यानी सुपार्श से भी रावण की लड़ाई होती है। लेकिन डर कर रावण विनती करता है सुपार्श से और कहता है कि उसे जाने दें। इसके पहले उसकी लड़ाई जटायु से रास्ते में हो चुकी थी। यह वर्णन वाल्मीकि के रामायण में अंकित है। इस प्रकार पूरे मामले की कहानी जानकर संपाति का पुत्र सुपार्श ही भगवान राम को बताते हैं कि रावण माता सीता को लेकर दक्षिण की तरफ गया है। यहीं पर एक और कथा का वर्णन आता है। कथा के अनुसार संपाति को भी वरदान मिला रहता है, जब वानर सेना दंडकारण्य जंगल में तुम्हें ढूंढते हुए आएगी, तब तुम्हारा बुढ़ापा और जले हुए पर दोनों नए हो जाएंगे। इस प्रकार महावानर अंगद और हनुमान के दर्शन कर संपाति फिर से युवा हो जाते हैं और मीलों ऊपर उड़कर अपने दिव्य दृष्टि से देखकर भगवान राम को यह बताते हैं कि माता सीता को रावण हरण करके लंका ले गया है और इस वक्त वह अशोक पेड़ के नीचे बैठकर आपकी राह देख रही हैं। इस प्रकार संपाति के ही कहे अनुसार वानर सेना लंका की ओर कूच कर जाती है। इस तरह जटायु, संपाति और उसके पुत्र सुपार्श ने माता सीता की खोज में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मेरा नाम है विवेक शर्मा और आप देख रहे हैं जनता शो। दोस्तों अगर आप जनता शो के इस वीडियो को फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक करें। अगर आप ये वीडियो यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो जनता शो यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी करें। इस तरह की तमाम खबरों और जानकारी के लिए रुख करें जनता शो वेबसाइट का। धन्यवाद।